भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के ऊपर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश की, क्या ये सही है आरोप और किसको की, किन किन मामलों में की? आरवीएस मणि सुनिएगा ध्यान से, गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे हैं। मैं अनइंटरप्टेड बात करूंगा सर। देखिए, आपने किसको छुड़वाने की बात की, उन्होंने 26/11 में अजमल कसाब को भी छुड़वाने की बात की। आई हैव सेड 26/11 वाज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी। 26/11 के अलावा हर आतंक बाटला हाउस में तो विवरण आ ही चुका है। समझौता ब्लास्ट में जो असली आतंकवाद थे वो तो 4 दिन में बच के पाकिस्तान निकल चुके हैं। मक्का मस्जिद के आतंकवादी निकल चुके हैं। भारत की सेना ने उरी हमले में शहीद हुए 19 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। भारतीय सेना ने बीती रात जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। भारतीय वायुसेना के मिराज विमानों ने LOC के पार बालाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ऐसा घबरा गया था कि 5 बजे उसने ट्वीट कर करके रोना शुरू कर दिया, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा, मोदी ने मारा। दुनिया को उनकी हालत बिगड़ी है इसके समाचार हमने नहीं दिए, पाकिस्तान ने दिए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था देश को खबर पहले हमने की थी।